तो इससे अब हम इसका क्या उपयोग करेंगे? तो सभी शास्त्रों ने बताया है कि मानव देह जो अनमोल है, इसका उपयोग प्रभु प्राप्ति में लगाने के लिए है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए जिसको हम कहें आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, आत्मा जो परमात्मा से अलग हो चुकी है तो इसको फिर से अपने सोर्स में मिला लेना। जैसे कि समंदर है, इसमें से थोड़ा पानी हम ले लेते हैं या तो एक बूंद ले लेते हैं, अलग कर देते हैं। केमिस्ट्री से देखेंगे तो दोनों पानी एक ही है, एक से ही गुणधर्म है। सारा समंदर का पानी चेक करें या तो समंदर में से लिया एक बूंद, दोनों का केमिकल एनालिसिस एक है। फिर बूंद है वो बूंद है और समंदर समंदर है, क्या फर्क पड़ता है? बूंद में आप कोई ताकत नहीं लेते, अकेला बूंद वो कुछ भी नहीं कर पाता, सुख जाएगा। यदि इसी बूंद को फिर से हम समंदर में डाल देते हैं तो समंदर की ताकत इसको मिल जाती है। उसी तरह हम हमारी आत्मा जब परमात्मा से अलग हो जाती है तब जैसे वहां केमिकली तो एक ही है, यानी आत्मा और परमात्मा में दूसरा कोई अंतर नहीं, जो आत्मा है वो ही परमात्मा है, जो परमात्मा है वो ही आत्मा है। लेकिन आत्मा एक बूंद की तरह है, इतना कमजोर हो जाती है कि वो कुछ करने के लायक नहीं बनती। तो इसको हमें सोर्स में मिलाना है, परमात्मा के साथ मिलाना है। और ये मिलाने की जो प्रक्रिया है ये है योग। योग यानी मिलन। आज ऐसा योग हो गया कि हम सब साथ में हैं पांच दिनों से, आज ही वियोग हो जाएगा तो अलग अलग हो जाएंगे। योग यानी मिलन, वियोग यानी बिछड़ना, अलग होना। यानी कि इंसान के लिए योग ही जीवन, अन्य प्राणियों के लिए अन्य प्राणी और इंसान में अंतर इतना है कि अन्य प्राणी जन्म धारण करते हैं, खाते पीते हैं, प्रजोत्पत्ति करते हैं,
और आयु खत्म होने से मर जाते हैं। ये तो सब हम भी करते हैं, लेकिन अन्य प्राणी और मानव प्राणी के बीच में कोई अंतर है तो ये है कि भगवान ने मानव को ज्यादा बुद्धि, मन, ये सब कुछ दिया है कि जिससे वो पढ़ सके, शास्त्रों का पठन कर सके और प्रभु प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सके। तो ये है योग। जो योग जन्मों जन्म से यदि हम इसी रास्ते पे चलते हैं तो भगवान हमें ऐसी स्थिति प्रदान करते हैं, ऐसे जगह जन्म देते हैं कि बचपन में ही हम ध्रुव या तो प्रहलाद की तरह प्रभु प्राप्ति में लग जाए। वे अगले जन्मों का कर्मों का फल है, लेकिन ऐसे हमारे पास हम साथ में नहीं लेके आए हैं तो हमारे लिए दूसरा रास्ता है जो है महर्षि पतंजलि ने बताया है, वो है अष्टांग योग। इसके आठ अंग है, अष्ट अंग, अष्टांग योग, जिसमें हम जान